इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनवे। एक चूंकि कवि तो नहीं हूँ, काव्य सिर्फ भ्रम रच सकता हूँ काव्य का, तो सुने जो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में जो काव्य भ्रम है उस पर बात करेंगे। एक बंदर का बच्चा एक बार जंगल में एक मंत्री जी पकड़ के अपने घर ले गए। ठीक है, अब जब मंत्री जी उस बंदर के बच्चे को घर ले गए तो उन्होंने उसको पाला, कुछ 10-11 साल पाला। 10 साल पालने के बाद बंदर का बच्चा था भाई, एक जगह तो टिक नहीं सकता, तो भाग गया वापस जंगल। अब वो जंगल पहुंचा तो क्या देखता है कि शेर की सत्ता है। उसको तो भूल ही गया था, बचपन में पकड़ गए थे तो देखता शेर की सत्ता है और सब कुछ इसी के अनुसार चलता है और जो कुछ होता है यही करता है, हमको तो कोई राइट्स ही नहीं है। वो तो मंत्री जी के भाषण सुन आया था, तो भाषण सुन आया था इससे उसने क्या किया, जंगल में विद्रोह कर दिया। अब जंगल में विद्रोह किया तो शेर थोड़ा मस्खरी में था, उसको जरा सत्ता, उसको भी अपने बाप से सत्ता पाया हुआ बंदा मस्खरी में था, उसने उठाई बंदर को मंत्री बनाया, उठाया बंदर को मंत्री बनाया और चला गया वेकेशन पे। अब इसके बाद जो हुआ वो शायद इस काव्य भ्रम में आप सुनेंगे। सुने, यूं तो शहर से बहुत अलग था जंगल का कानून, यूं तो शहर से बहुत अलग था जंगल का कानून, ओ बंदर जब से मंत्री हो गया अब सब अफलातून। अफलातून, अफलातून का मतलब जिसको नहीं पता है बता दूं, एवे ही है ना, सब एवे ही। ठीक है, यूं तो शहर से बहुत अलग था जंगल का कानून, और बंदर जब से मंत्री हो गया अब सब अफलातून। नए नए अब नियम बने हैं नई बनी सरकार, नए नए अब नियम बने हैं नई बनी सरकार, और घोड़ा घास से करे दोस्ती चना बनेगा यार, घोड़ा घास से करे दोस्ती चना बनेगा यार, और शेर को घास ही खानी होगी, बाघ को घास ही खानी होगी, भेड़ों को रखे सहेज, और बाघ को घास ही खानी होगी, भेड़ों को रखे सहेज, और तोता मैना मौन रखें, तोता मैना मौन रखें, बोरी से हो परहेज, तोता मैना मौन रखें, बोरी से हो परहेज, और पंछी सदा ही चले धरा पे, पंछी सदा ही चले धरा पे, हाथी रख रहे घोंसला, और पंछी सदा ही चले धरा पे, हाथी रख रहे घोंसला, और पंछी सदा ही चले धरा पर, हाथी रख रहे घोंसला, शेर सभी से डरा करें, शेर सभी से डरा करें, चूहे दिख रहे हौसला, शेर सभी से डरा करें, चूहे दिख रहे हौसला, सांप नेवला करें दोस्ती, सांप नेवला करें दोस्ती, रोमड़ करें वफादारी, सांप नेवला करें दोस्ती, रोमड़ करें वफादारी, गिरगिट रंग ना बदले अब, गिरगिट रंग ना बदले अब, गधों में हो समझदारी। अब ये तो नियम बनाए हैं भाई बंदर जी की सरकार ने, नई सरकार है। हमारे यहाँ भी कई बार ऐसा होता है, नई सरकारें कुछ नए नियम बना देती हैं, वो नियम सोच के लिखा था। लेकिन जब भी कभी ऐसे नियम बनते हैं, जब भी कभी ऐसे नियम बनते हैं, खासकर भारत जैसे लोकतंत्र में, तो होता क्या है वो अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सुने, देखिए हालत जंगल की चीटी को आया क्रोध, देखिए हालत जंगल की चीटी को आया क्रोध, बोली ऐसे काले कानूनों का क्यों ना हुआ विरोध, बोली ऐसे काले कानूनों का क्यों ना हुआ विरोध, किए संगठित सभी जानवर जा पहुंची दरबार, किए संगठित सभी जानवर जा पहुंची दरबार, ढूंढा उसने शेर को लगाई फटकार, ढूंढा उसने शेर को लगाई फटकार, बोली ये सत्ता जो तुमको दी थी नहीं कोई था खेल, ये सत्ता जो तुमको दी थी नहीं कोई था खेल, और बंदर देश दो करता है डालो उसको जेल, बंदर देश दो करता है डालो उसको जेल। ये होना भी चाहिए, हमारे यहाँ ये हो नहीं रहा है। बंदर ऐसे कई सारे बंदर बहुत सारी जगहों पे देख बैठ के देशद्रोह कर रहे हैं, उनको जेल नहीं डाला जा रहा है, ये होना चाहिए है ना। तो हमको सबको, हम बेसिकली चीटियां ही हैं, हमको सबको संगठित होकर दरबार पहुंचने की आवश्यकता है। आगे सुने जो चीटी कहना चाह रही है, बंदर देशद्रोह करता है उसको डालो जेल, जंगल में कानून नहीं है ये संदेश न बाहर जाए, जंगल में कानून नहीं है ये संदेश न बाहर जाए, और ध्यान ये सबको रखना होगा, ध्यान ये सबको रखना होगा, सत्ता में काबिल ही आए, ध्यान ये सबको रखना होगा, सत्ता में काबिल ही आए। थैंक यू, जय भवानी, जय भारती।